फिल्मों की दुनिया में आपने लाइट, कैमरा और एक्शन सुना होगा, लेकिन आज सत्ता की सियासत वाली पिक्चर में टोन, एक्टर और डायरेक्टर ट्रेंड कर रहे हैं। और खास बात यह है कि सियासी पिक्चर के सारे पात्र वास्तविक और राजनीतिक हैं। आज इनकी खास चर्चा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक छोटी लेकिन हंगामे और डायलॉग से भरपूर राजनीतिक पिक्चर दिखी, जिसके बाद संसद के अंदर और बाहर का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन यानी जया और बच्चन के बीच में अमिताभ आने पर काफी वाद और विवाद हुआ है। और आज फिर से जैसे ही संसद में जया अमिताभ बच्चन पुकारा गया, इस विवाद का विस्फोट हो गया। दरअसल राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी तभी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जया अमिताभ बच्चन अपना पक्ष रखें। इतना सुनते ही जया बच्चन भड़क गईं। उन्होंने सभापति के बोलने की टोन पर सवाल खड़े कर दिया, कहा आपका लहजा सही नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहां सबकी प्रतिष्ठा है। एक बार हंगामे का वो अनकट वीडियो देखिए जिससे आपको ये समझ आएगा कि राज्यसभा में हुआ क्या था। फिर आपको बताएंगे कि राज्यसभा के अंदर की इस शॉर्ट फिल्म के बाद संसद के बाहर की सियासी पिक्चर कैसी थी। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जया जी, यू अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन। You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat, I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One for carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. She's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. No. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair? To question the tone and tenor? Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन के बाहर विपक्ष और अंदर सत्ता पक्ष ने एक दूसरे को जमकर सुनाया। जया बच्चन ने सदन के बाहर कहा कि सभापति बुद्धिहीन, बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। जबकि सत्ता पक्ष से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो 6 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे, लेकिन प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार नहीं देखा। जबकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जया बच्चन पर सांसदों को उकसाने का आरोप लगाया और सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए, आप थोड़ा डंडा चलाइए।
Yeah, Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है सुनो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर आई ऑब्जेक्टेड टू द टोन यूज्ड बाय द चेयर वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन वी आर ऑल एंड सम ऑफ अस आर सीनियर सिटीजंस आई वाज अपसेट विद द यू आर अ न्यूसेंस बुद्धिहीन ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं हाँ he said you may be celebrity, I don't care. जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य हम लोगों की वो कह रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है हम सब साथ खड़े हुए हैं केवल आसंदी का अपमान नहीं है ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है ये लोकतंत्र का अपमान है ये संविधान का अपमान है और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है एलओपी को मौका नहीं देते हैं एलओपी का अपमान हुआ जया बच्चन तो इसीलिए खड़े मेंबर का अपमान है इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं आप बोलते रहते हैं नाराजगी में बोलते रहते हैं जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़े हुए कॉलिक कैसे हो गए भाई इस चेयर का अपना सम्मान है आप वहां से डायरेक्शन देते हैं आप वहां से रूलिंग देते हैं बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर आप थोड़ा डंडा चलाइए नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा जया जी अमिताभ बच्चन की पत्नी है यह उनका भाग्य है इसके लिए उनको गौरव महसूस होना चाहिए जब उनको जया अमिताभ बच्चन करके पुकारा जाता है तो बिना वजह क्यों बखेड़ा करती है मुझे समझ में नहीं आता जया अमिताभ बच्चन पर आज जो हंगामा हुआ वो इस विवाद का पहला एपिसोड नहीं है बल्कि ये तीसरा एपिसोड है इससे पहले ही दो बार जया अमिताभ बच्चन पुकारे जाने पर वाद विवाद और हंगामा हो चुका है दरअसल सबसे पहले ये मामला 29 जुलाई को तब उठा जब राज्यसभा के सभापति हरिवंश ने सवाल पूछने के लिए जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारा इससे जया बच्चन इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी उनका कोई अस्तित्व नहीं है इस पर उप सभापति ने जवाब दिया कि जो राज्यसभा के रिकॉर्ड में है वो ही पुकारा गया दूसरी बार ये जया अमिताभ बच्चन वाला एपिसोड 2 जुलाई को रिलीज हुआ जब सदन में खुद जया बच्चन ने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन कहा उस दिन सदन में खूब ठहाके लगे एक बार इन दोनों एपिसोड्स का छोटा सा रीकैप देख लीजिए फिर आपको बताएंगे कि जया बच्चन को अपने नाम के साथ अमिताभ क्यों लगाना पड़ता है तभी आप बार बार जयराम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी उनका कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं नहीं सर इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ आपको आज लंच ब्रेक मिला नहीं मिला तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो अब एक चीज बताऊं लाइट नोट पर बताऊं मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया Let me tell the distinguished honorable member, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं
जया बच्चन की नाराजगी के बीच सवाल यही उठ रहा है कि मसला नाम का है या कुछ और। ये सवाल इसलिए क्योंकि जया बच्चन वर्ष 2004 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा। जया बच्चन पिछले 20 वर्ष से राज्यसभा की सदस्य हैं। 2024 में जया बच्चन पांचवी बार राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। इस दौरान राज्यसभा में 4 सभापति और 4 उपसभापति बदल गए, लेकिन कभी नाम पर विवाद नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ भी पिछले 2 साल से सभापति की कुर्सी पर हैं, लेकिन उस वक्त भी विवाद नहीं हुआ। 2024 के बजट सत्र में पहली बार नाम को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 3 बार ये विवाद हो चुका है। कभी जया बच्चन अमिताभ जोड़े जाने से नाराज हो जाती हैं, तो कभी वो खुद अपने नाम के साथ अमिताभ लगा देती हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता ये भी सवाल कर रहे हैं कि जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर एतराज क्यों है। क्या राज्यसभा के रिकॉर्ड में जया बच्चन के नाम में अमिताभ नहीं लगा है? वैसे राज्यसभा की वेबसाइट पर आप अगर जाएंगे तो वहां भी आपको जया बच्चन का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा हुआ मिलेगा। उनके राज्यसभा से जुड़े हलफनामे में भी जया अमिताभ बच्चन ही लिखा है, यानी कानूनी रूप से भी जया बच्चन के नाम के साथ अमिताभ लगा हुआ है। राज्यसभा में जब उन्होंने शपथ ली थी तब भी उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही पुकारा गया था, लेकिन तब उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं जताया था। पर पिछले 10 दिन में 3 बार इस पर विवाद खड़ा हो चुका है। ओथ और अफर्मेशन, सेक्रेटरी जनरल उत्तर प्रदेश, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। उत्तर प्रदेश, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। वैसे नाम से शुरू हुआ विवाद अब लहजे तक पहुंच चुका है। सत्ता पक्ष विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब तक 49 राज्यसभा सदस्यों के दस्तखत हो भी चुके हैं, जरूरी संख्या 50 है। ये प्रस्ताव फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में रखा हुआ है। इसे सबमिट करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये अब अगले सत्र में ही आएगा। हालांकि खड़गे सभी दलों के नेताओं से बात करके ये तय करेंगे कि क्या इसे सबमिट करना है भी या नहीं। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल हो सकता है कि जब जया बच्चन को अमिताभ नाम के जुड़े होने से इतनी समस्या है कि उनके कहने पर पूरा विपक्ष राज्यसभा से बाहर निकल जाता है, तो वो अपने नाम से अमिताभ बच्चन का नाम हटा क्यों नहीं लेती हैं। दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि जया बच्चन महाराष्ट्र से आती है, जहां शादीशुदा महिलाओं के सरनेम में महिला के नाम के बाद उनके पति का नाम लिखा जाना अनिवार्य होता है। इसीलिए जया बच्चन के नाम के पीछे अमिताभ लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चे के नाम के पीछे माता और पिता का नाम लगाना अनिवार्य है, हालांकि ये अनाथ बच्चों पर लागू नहीं होता है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य के नियम के कारण उन्हें अपने नाम और सरनेम के बीच में अमिताभ लगाना पड़ रहा है। वैसे साहित्य की दुनिया में शेक्सपियर के कथन का जिक्र बार बार किया जाता है, और वो कथन ये है कि नाम में क्या रखा है। नाम बदलने से मौलिकता नहीं बदलती, लेकिन राजनीति में नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम वाले विवाद के कारण देश की राज्यसभा से आज पूरा विपक्ष संसद से वॉकआउट कर गया। अब ये लड़ाई नाम से आगे बढ़कर लहजे तक पहुंच गई है, और लहजा अपने आप में बहस और रिसर्च का विषय है।